ਅਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਥਾ ਟਰਨ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਥੇ ਬਦਬਖ ਕੇ ਬੱਚੇ तुझे ये ख्याल नहीं है कि वो तो सिग्नल बंद था यू टर्न ले रहे थे जो बगैरत 140 की स्पीड से गाड़ी लेके आया वो तुम्हारा बाप लगता था कश्माला तारक और इजलान खान को फिल फॉर गिरफ्तार किया जाए बेशक जवाब दो खून का हिसाब दो जालिमो जवाब दो खून का हिसाब दो जालिमो जवाब दो खून का हिसाब दो सबसे पहले हम जितने भी हमारे भाई शहीद हुए आज ये सिर्फ मानसरा के दो तीन चार घरों में शहीद हमारे भाई नहीं हुए बल्कि ये हमारे पूरे मानसरा का सबका ये दुख है मैं भी किसी का जवान बैठा हूँ खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ भी ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे कोई सियासत नहीं है कोई ये हम यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों से लोग खड़े हैं सब हमारे भाई हैं और जो फौत हुए हैं ये हमारे भाई भी हैं हमारे जवान भी हैं और इस मानसरा का फ़ख्र थे क्यों बड़े ऐसे जवान थे मेरी वक्ता फ़वक्ता मेरे साथ मुलाकात होती रहती थी तो हम इनके दुख में इनके घर वालों के दुख में बराबर के शरीक हैं और हमारी पहली भी हमेशा मानसरा वालों ने हमेशा अमन का साथ दिया है हम पुरमन शहरी हैं हमारी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि हमारे इन भाइयों की जो लायकीन हैं इनको इंसाफ दिया जाए अल्हम्दुलिल्लाह बाबर सलीम खान ने भी इस पर चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की है और इंशाल्लाह हमेशा बाबर खान भी आप सबके शाना बशाना है ये भाई भी आपके शाना बशाना है हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने तमाम जो लायकीन हैं उनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि बाबर सलीम खान वक्तन फ़क्तन भी मेरे साथ भी रबते में है वो ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब साथ भी रबते में है तो जो भी इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए और फिल फोर जिन्होंने ये हरकत की है रोड एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं ठीक है लेकिन एक गलती करके उसको ना मानना ये नाजायज़ बात है और ये ज़्यादती है और सरासर जुल्म है और इंशाल्लाह ना तो पहले कभी जुल्म हुआ है और ना होगा इंशाल्लाह अगर ये जुल्म करेंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले हमारा सर इनके आगे होगा इंशाल्लाह इन हमारे जितने भी लायकीन हैं इनके साथ जो जद्दोजहद करनी पड़ेगी हम इंशाल्लाह हर सूरत करेंगे जानी माली ये हमारे सारे मानसरा की आज गैरत की बात है यहाँ पे कोई पार्टियाँ नहीं है यहाँ पे कोई कौम नहीं है यहाँ पे कोई नस्ल नहीं है ये हम सबका एक इस बच्चे सबके सांझे होते हैं आज मैं किसी के जवान बैठा हूँ खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ भी ये कुछ हो सकता है ठीक है आज हम सब ने मिल के इनके साथ इनके दुख में इनके दर्द में बराबर के शरीक होना है बहुत शुक्रिया के कश्माला तारक और इजलान खान को फिल फॉर गिरफ्तार किया जाए आम ऐसी अदालतों को ऐसे इदारों को इन पे हमारा यकीन ही नहीं है आज तीसरा दिन है हमारे बच्चे हमारे कलियां हमसे चली गई हैं, लेकिन मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुए 50,000 के मचलके पे उसे जमानत बीबीएम करा दिए चार जानों की ज़िया आखिर ये क्या 50,000 पे चार जानों का ज़िया कर दिया है आपने लिहाजा हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करना चाहते हैं कि जो मरकजी मुल्ज़िम है उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए अगर उनको गिरफ्तार न किया गया तो हम इस्लामाबाद भी बंद करेंगे और शायद रेशम को भी बंद करेंगे आज तक कानून चोर है ये अंग्रेजा का कानून है इस्लामी कानून नहीं बराए मैं जवाब दो खून का हिसाब दो जालिमो जवाब दो खून का हिसाब दो जालिमो जवाब दो खून का हिसाब दो जालिमो जवाब दो खून का हिसाब दो शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस वक्त इंशाल्लाह जो हमारे ऊपर एक हादसा गुजरा है गुज़िश्ता आज तीसरा दिन है और अलमिया ये हुआ है कि यार इस तरह देखा गया है कि जिस तरह ये चार पाकिस्तानी नहीं थे तो भाई ये चार पाकिस्तानी भी इसी तरह के पाकिस्तानी है जिस तरह बाकी पाकिस्तानी है हमारे भी वही हैसियत है हमारा भी वही NIC है हम भी वही टैक्स देते हैं हम भी इसी शहर के शहरी हैं तो अलमिया ये है कि बजाय हादसे के जो हमारे चार जवान शहीद हुए और दो जख्मी हुए उनकी शहादत पे मातम मनाया जाता गम मनाया जाता मीडिया उनको दिखा रहा है पैसे वालों को कि यार वो आए गलती बजाय उस पैसे वाले की दिखाने की ये शो किया जा रहा है पिछले दिनों
परसों डीआईजी ऑपरेशन ने एक स्टेटमेंट दी कि भाई वो नौजवानों ने सिग्नल बंद था टर्न यू टर्न ले रहे थे, बदबाक के बच्चे, तुझे ये ख्याल नहीं है कि वो तो सिग्नल बंद था यू टर्न ले रहे थे, जो बगैरत 140 की स्पीड से गाड़ी लेके आया वो तुम्हारा बाप लगता था, किस कानून के तहत बंद सिग्नल पे वो चार लोगों को शहीद करके और फिर वहां से भाग के गए, हमें एहतसाब चाहिए, हमें इसका इंशाल्लाह हम हक लेंगे, ये हादसा नहीं है, अगर हादसा होता तो हादसा जिससे होता है वो वहां पे खड़े हुए मजलूमों के साथ खड़ा होता, उनको अस्पताल पहुंचाता, उनको इनिशियल ट्रीटमेंट दी जाती, वहां से भागते नहीं, ये जानबूझ के उन्होंने गफलताना जो हरकत की है, जानबूझ के हमारे चार हजारेवाल जवानों को शहीद किया गया है। मैं इस मौके पे एक बात प्राइम मिनिस्टर साहब को ही बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ ये ना समझे कि मानसेरा के चार नौजवान थे, ये किसी गांव देहात की बातें नहीं, ये पूरे हजारेवाल कौम की बात है। इंशाल्लाह अगर हमें इंसाफ नहीं मिला हम हजारा पूरा जाम करेंगे और इसी तरह कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, जहां जहां हजारेवाल मौजूद है हम इंशाल्लाह अपने राइट के लिए इन बच्चों का खून जाया नहीं रहने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जितने भी हमारे भाई शहीद हुए आज, ये सिर्फ मानसरा के दो तीन चार घरों में शहीद हमारे भाई नहीं हुए बल्कि ये हमारे पूरे मानसरा का सबका ये दुख है। मैं भी किसी का जवान बैठा हूँ, खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ भी ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे कोई सियासत नहीं है कोई, ये हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ पार्टियों से लोग खड़े हैं, सब हमारे भाई हैं और जो फौत हुए हैं ये हमारे भाई भी हैं, हमारे जवान भी हैं और इस मानसरा का फ़ख्र थे। तीनों बड़े ऐसे जवान थे, मेरी वक्ता फ़वक्ता इनके साथ मुलाकात होती रहती थी, तो हम इनके दुख में, इनके घर वालों के दुख में बराबर के शरीक हैं और हमारी पहली भी हमेशा मानसरा वालों ने हमेशा अमन का साथ दिया है, हम पुरमन शहरी हैं। हमारी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि हमारे इन भाइयों की जो लायकीन हैं इनको इंसाफ दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर सलीम खान ने भी इस पर चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की है और इंशाल्लाह हमेशा बाबर खान भी आप सबके शाना बशाना है, ये भाई भी आपके शाना बशाना है, हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने तमाम जो लायकीन हैं उनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि बाबर सलीम खान वक्तन फ़वक्तन भी मेरे साथ भी रबते में है, वो ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब साथ भी रबते में हैं, तो जो भी इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए और फिल फोर जिन्होंने ये हरकत की है, रोड एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं ठीक है, लेकिन एक गलती करके उसको ना मानना ये नाजायज़ बात है और ये ज़्यादती है और सरासर जुल्म है और इंशाल्लाह ना तो पहले कभी जुल्म हुआ है और ना होगा इंशाल्लाह, अगर ये जुल्म करेंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले हमारा सर इनके आगे होगा इंशाल्लाह। इन हमारे जितने भी लायकी हैं इनके साथ जो जद्दोजहद करनी पड़ेगी हम इंशाल्लाह हर सूरत करेंगे, जानी माली, ये हमारे सारे मानसरा की आज गैरत की बात है, यहाँ पे कोई पार्टियां नहीं है, यहाँ पे कोई कौम नहीं है, यहाँ पे कोई नस्ल नहीं है, ये हम सबका एक इस बच्चे सबके सांझे होते हैं। आज मैं किसी के जवान बैठा हूँ खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ भी ये कुछ हो सकता है ठीक है, आज हम सब ने मिल के इनके साथ इनके दुख में इनके दर्द में बराबर के शरीक होना है। बहुत शुक्रिया के कश्माला तारक और इजलान खान को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए, आम ऐसी अदालतों को ऐसे इदारों को इन पे हमारा यकीन ही नहीं है। आज तीसरा दिन है, हमारे बच्चे हमारे कलियां हमसे चली गई हैं, लेकिन मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुए, 50,000 के मचलके पे उसे जमानत भी दिए करा दिए, चार जानों की ज़िया। आखिर ये क्या 50,000 पे चार जानों का ज़िया कर दिया है आपने? लिहाजा हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करना चाहते हैं कि जो मरकजी मुल्ज़िम है उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, अगर उनको गिरफ्तार न किया गया तो हम इस्लामाबाद भी बंद करेंगे और शहर रेशम को भी बंद करेंगे।